छिंदवाड़ा के इस ऐतिहासिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पिताजी, हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री लाखन गंगोरिया जी, हमारे छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे जी, हमारे सारे विधायकगण, सुनील भाई, सुजीत भाई, नीलेश भाई, कमलेश भाई, हमारे जिला के कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, हमारे कांग्रेस के महिला अध्यक्ष सत्वन कौर जी, यहाँ उपस्थित मेरे पत्रकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रिय जोड़े एवं उनके परिवारगण, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। मेरा सारे जोड़ों से ये निवेदन है कि आप अपना नाम प्रशासन को जरूर लिखवा के जाइएगा, क्योंकि आज छिंदवाड़ा में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और ये मुख्यमंत्री के प्रयास से बनने जा रहा है। पहली बार सब धर्मों का सामूहिक विवाह इस कार्यक्रम में हो रहा है। मुख्यमंत्री ने आप लोगों से वचन दिया था, मुख्यमंत्री जी ने आपको कहा था कि हम माताओं की पेंशन की राशि दुगनी करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपना वचन निभाया और माताओं की पेंशन की राशि 500 से 1000 रुपए कर दी। मुख्यमंत्री ने आपको भी एक वचन दिया था, उन्होंने कहा था कि वो कन्यादान की राशि दुगनी करेंगे। और आज मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि 21,000 से आज कन्यादान की राशि 51,000 हो गई है। सरकार की तरफ से सामान्य जोड़ों को 51,000 की राशि मिलने जा रही है, दिव्यांग जोड़ों को 1,00,000 की राशि मिलने जा रही है और दोनों दिव्यांग जोड़ों को 2,00,000 रुपए की राशि मिलने जा रही है। मैं नगर निगम छिंदवाड़ा नगर निगम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज उन्होंने लगभग 50,000 खाने के पैकेट बांटे हैं। मेरे ख्याल से आज छिंदवाड़ा नगर निगम भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं पूरे प्रशासन का, खासकर कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके मेहनत से आज ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम सफल रहा। मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, खास करके मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयास से आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम सफल हुआ। एक बार फिर सारे जोड़ों एवं परिवार सहित सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपने सुना जिले के एनर्जेटिक और युवा सांसद माननीय नकुलनाथ।